Hello guys, welcome to NumberX. In this lecture, we will prove greatest integer of x plus greatest integer of negative x equals negative 1 when x is not equal to integer. क्योंकि जब x integer के equal हो जाएगा, तो greatest integer of x हो जाएगा z के equal. और आपको पता है negative of x हो जाएगा इस केस में negative of z और negative of greatest integer of x ये नेगेटिव ऑफ जेड हो जाएगा. इस केस में यदि आप ऐड करते हैं एक्स एंड नेगेटिव एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा. लेकिन जब ये इंटीजर नहीं है उस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव वन कैसे आएगी इसी को हमें प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए. यहाँ पे जीरो ले रहा हूँ, 1, 2, 3 और लेफ्ट में -1, -2, -3. हम प्रूव कर रहे हैं जब x इंटीजर नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे आप हटा दीजिए इस पॉइंट को. मान लीजिए x 0 और 1 के बीच में है, ठीक है. इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये हो जाएगा जीरो के इक्वल. यदि एक्स जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है तो नेगेटिव एक्स लाई करेगा माइनस वन और जीरो के बीच में. इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव एक्स ये हो जाएगा माइनस वन के इक्वल. यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव वन ही आ रहा है. दूसरा इंटरवल ले लेते हैं नेगेटिव वन और नेगेटिव टू के बीच में जब एक्स लाई करेगा. इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नेगेटिव टू के इक्वल हो जाएगा. नेगेटिव एक्स लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव एक्स ये हो जाएगा 1 के इक्वल. इस केस में भी यदि आप ऐड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव एक्स ये -1 के इक्वल ही हो जाएगा. इस तरह से आप कोई भी इंटरवल सेलेक्ट करें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव वन ही आती है जब एक्स इंटीजर नहीं है. इस तरह से हमने प्रूव कर लिया. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं. यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.